ग्रिप लगा हुआ पैर लेके चलते हैं काला पत्थर। यहाँ से माउंट एवरेस्ट का व्यू आप लोगों को बढ़िया मिलेगा। और काला पत्थर हाइक बहुत ही हार्ड माना जाता है क्योंकि स्टीप क्लाइंब है। ये देख सकते हैं वो रास्ता इस तरफ चला गया है एवरेस्ट बेस कैंप, जो लास्ट दिन मैं कर चुका हूँ। ये चला गया है काला पत्थर और यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ अपना स्टिकर। ये ट्रेल है सामने। ओह, फाइन। हाँ, कितना टाइम लगेगा चढ़ने में? कितना टाइम लगेगा? हाँ, आप डॉट 5 आवर। वे टू काला पत्थर चढ़ते हैं दम लगा के हाइशा। यहाँ जो हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, बहुत लोग एवरेस्ट बेस कैंप करके फिर ट्रेक करके वापस नहीं जाता है, सीधा हेलीकॉप्टर से लुकला वापस जाता है। उसी के लिए लैंड किया है। गोरक्षप में बहुत ही कम लॉज है। ये सब जगह में चार्जिंग इतना कॉस्टली है। आपका मोबाइल 500 एनपीआर, पावर बैंक 1000 एनपीआर, स्नीकर्स 350 350 एनपीआर। सोचिए आप अगर लोबूचे या ये सब जगह से चार्ज करते हुए जाएंगे तो कीमत में आपका 2-3 पावर बैंक आ जाएगा। सामने बोल्डर भरा रास्ते से चढ़ना होगा और ये वैली उस तरफ चला गया है एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेल के लिए। अभी बज रहा है सुबह की 9। मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया क्योंकि मैं यहीं रह जाने वाला हूँ गोरक्षप पे। जनरली लोग सनराइज़ या सनसेट में ये ट्रेक करता है सुबह 5 बजे या शाम को, लेकिन ये गलती और मैं नहीं करूँगा। रात को उतरना, लास्ट डे मुझे पता चल गया था क्या हालत होता है। एवरेस्ट के ऊपर सनसेट का व्यू बढ़िया होता है, पूरा रेड हो जाता है एकदम। तो वो तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको एवरेस्ट का एक बढ़िया व्यू ज़रूर दिखाऊंगा आज। थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। काला पत्थर ट्रेक टफ है। एक्चुअली क्या है, काला पत्थर समिट का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही किलोमीटर है, लेकिन एलिवेशन गेन होगा ऑलमोस्ट 400 मीटर 5545 मीटर्स सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा आपका ट्रेक का। कम डिस्टेंस में जैसे ही आपको ज़्यादा एलिवेशन कवर करना पड़ता है तो जल्दी जल्दी थक जाता हूँ। एक स्नीकर्स खा लेता हूँ। 219 कैलोरीज। यहाँ पर स्नीकर्स का कीमत 350 एनपीआर है और ये मैं घर से लाया था सिर्फ 30 रुपीज़ में। 219 कैलोरी गेन के बाद पता नहीं कितना कैलोरी लॉस हो जाएगा ये चढ़ते चढ़ते। हवा का सनसनाहट। और ये सामने आप जो देख सकते हैं वो है माउंट पुमोरी। उसी के सामने छोटा सा, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, वो है काला पत्थर का समिट पॉइंट। और ये कल जो मैं गया था बेस कैंप की तरफ, खुम्बू ग्लेशियर चला गया है खुम्बू आइसफॉल की तरफ। माउंट एवरेस्ट ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, ये सामने है इसलिए वो पीछे है। वो पॉइंट है, देखिए काला पत्थर का एप्ट नाम दिया है, सब पत्थर ही काला काला है। ये ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट बनेगा 5600 मीटर्स, टू बी प्रिसाइज 5545 मीटर। मेरे पीछे ये एवरेस्ट का व्यू आपको इतना अच्छा और कभी नहीं मिलेगा। ट्रेल टफ होता जा रहा है। एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रेल में बड़ा बड़ा बोल्डर्स था, बहुत ही स्टीप है। That's it. मीटर्स मोड़ी एवरेस्ट। काला पत्थर से अच्छा एवरेस्ट का व्यू आपको और कहीं नहीं मिलेगा। माय गॉड, कहाँ पहुँच गया। नीचे जाने का टाइम हो गया। आई होप जल्दी जाऊंगा, सर दर्द कर रहा है अभी। चलते हैं नीचे। और ऐसे हार्डशिपों से लड़ने के लिए मेंटली आपको रेडी रहना होगा। खाना पीना सोना जो बस ये लाइफ नहीं है, एक ही लाइफ है, इसको एंजॉय करना होगा हम लोगों को। ऐसा मैं मानता हूँ। ऊपर का टिकट कटने से पहले, डोंट डाई विथ ड्रीम्स, डाई विथ मेमोरीज। ऊपर चढ़ने में हालात टाइट हो जाता है और नीचे उतरने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन रिस्क नीचे उतरने में ही है। सारा रेत जो है लूज है, पैर थोड़ा इधर उधर गिरेगा तो बस स्लिप सीधा। आज भी गोरक्षेप में जाके रुकेंगे, प्लान ये है। ट्राई करेंगे। ये लोग अभी जा रहा है। तेज हवा चल रहा है, आप सुन सकते हो। वो सामने खुम्बू ग्लेशियर, वहाँ का बेस कैंप तक लास्ट दिन गया था, इतना बढ़िया से ऊपर चला गया है। देखिए मौसम, और ये हमारा सागर माथा जी माउंट एवरेस्ट। सो ऑलमोस्ट रीच्ड, कुछ देर और नीचे चलना है। आज भी शायद ये पॉलिसी कम कर जाएगा, हाइक हाई स्लिप लो। और अभी नीचे जाके सोऊंगा। आई गेस चोला पास के लिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए एवरेस्ट बेस कैंप से वापस आ रहा है। ये लोग सुबह गया था शायद। फाइनली बैक टू गोरक्षेप। चढ़ना जितना मुश्किल था, उतरना उतना ही। पैर के नीचे से रेत खिसकते जा रहा था और बार बार स्लिप हो रहा था। चलते हैं लॉज में। नेटवर्क अपडेट, इनसेल का जो सिम आप काठमांडू से लेंगे, बहुत ही तेज़ हवा चल रहा है। कुछ कर नहीं सकता। एनसेल का जो नेटवर्क आप काठमांडू से लिए है वो डिंगबोचे और लोबुचे में काम नहीं करेगा। लोबुचे के बाद से जैसे ही आप गोरखसेप के लिए निकलेंगे आधे रास्ते से काम करना स्टार्ट हो जाएगा और पूरा गोरखसेप इवन एवरेस्ट बेस कैम्प काला पत्थर तक आपका काम करेगा। शायद कभी कभी आपको इंटरनेट ना मिले, यहाँ पर 3G इंटरनेट मिलता है और एवरेस्ट लिंक तो सही से काम करेगा। ट्रेल अपडेट, काला पत्थर लॉन्ग तो नहीं था लेकिन टफ था। सो ये गोरखसेप क्लिनिक है बुद्धा लॉज के पीछे, देख लीजिए पहले। आज काला पत्थर ट्रिक के बाद मेरा लेफ्ट लेग में भी थोड़ा इरिटेशन हो रहा था शू के साथ पैर का फ्रिक्शन होने की वजह से, तो मैं यहाँ थोड़ा क्रेप खरीदने आ गया लेफ्ट लेग के लिए भी। राइट लेग में तो लगा हुआ ही है, नहीं तो नेक्स्ट डे का जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज भी है, डॉक्टर भी है। अगर आपको कोई और एक्यूट सिम्टम हो तो, मैं तो सिर्फ पैर दिखाने आया था। कॉटन क्रेप एंटी फंगल क्रीम 1700 राइट, ओके। 2000 रुपये नेपाली रुपी, लेकिन क्या करता, अगर पैर ही नहीं रहेगा तो कैसे आगे बढ़ूंगा। लास्ट मोमेंट में डॉक्टर भी आया, उनको भी दिखा दिया तो उन्होंने कहा कि पैर थोड़ा सा डिस्कलरेशन हुआ है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये 1st डिग्री फ्रॉस्टबाइट जैसा हो सकता है, तब मुश्किल हो सकता है। तो रोज़ गरम पानी में पैर रखने को कहा गया है। रोज क्रेप चेंज करूंगा। मैश्ड पोटैटोज विथ एग और उसके साथ यहाँ पर मुझे बताया गया कि संभाल के खाने के लिए, देखता हूँ कितना स्पाइसी है। लोगों को क्या पता कि हम इंडियन वालों पानीपुरी में मिर्ची डाल डाल के खाते हैं। देखते हैं कितना तीखा हो सकता है। वैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ आलू का इंतज़ाम कैसे भी हो कर लेता हूँ।